भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। प्रज्ञा ठाकुर मैनेजमेंट के खिलाफ छात्रों के अनशन में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन छात्रों ने प्रज्ञा ठाकुर वापस जाओ के नारे लगाकर उन्हें वापस लौटने को मजबूर कर दिया। देखिए, कुछ कॉलेज के छोटे बच्चों ने, दो बच्चियां थी, उन्होंने उन्हें देख के नारा लगाया कि आतंकी वापस जाओ। मैं समझता हूँ कि बच्चों से निश्चल और पवित्र मन किसी का होता नहीं है। जो उन्होंने महसूस किया इतने दिनों में, जो प्रज्ञा ठाकुर जी का उन्होंने जो चरित्र चित्रण किया है, वही उनके शब्दों में बाहर निकला है। कभी प्रज्ञा ठाकुर प्लेन में, हवाई जहाज में झगड़ती दिखाई दे रही, कभी ट्रेन में झगड़ती दिखाई दे रही, कभी सड़कों पे बैठ जा रही, उठते ही नहीं बन रहा है। अननेसेसरी, बिना कारण के ये महिला अपने आप को हाईलाइट करना चाहती है, और नरेंद्र मोदी को इस गलती का एहसास हो गया। वो समझ गए कि मेरे पतन का कारण यही प्रज्ञा ठाकुर बनेगी। बच्चे ज़्यादा समझदार हो गए हमसे, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनका विचार अच्छा है। प्रज्ञा ठाकुर वापस जाओ। राजधानी भोपाल में आज जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में संविधान बचाओ शांति मार्च यात्रा निकाली गई है, तो दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यह कहकर लौटा दिया है कि आतंकी वापस जाओ, आतंकी वापस जाओ। और यहाँ जो हमने बात की है लोगों से, कांग्रेस नेताओं से और दूसरे लोगों से, तो सभी का कहना ये है कि कहीं ना कहीं एक आचरण में सुधार लाने की आवश्यकता है, गांधी के विचारों को अपनाने की ज़रूरत है। अगर एक जनप्रतिनिधि है और वो इस तरह की आचरण पर खड़ा उतरता है, तो निश्चित तौर से इस तरह जो छात्र जो बोल रहे हैं, छात्र जो अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसी भावना का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।